कोरोना वायरस की वजह से देश में लगे लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद था, लेकिन अब सरकार की गाइडलाइन के बाद आज से रोडवेज बसों का संचालन शुरू किया गया है। आगरा से 311 रोडवेज बसों का संचालन 4 रूटों पर किया जा रहा है। रोडवेज बस स्टैंड पर कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए विभाग द्वारा क्या इंतजाम किए गए हैं, इसकी पड़ताल भी की गयी। आगरा के ISBT बस स्टैंड पर संक्रमण से बचने हेतु इंतजाम नाकाफी नजर आए। यहां पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और ना ही किसी भी तरह के हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। और तो और यहां पर कार्यरत कर्मचारियों ने भी माना है कि विभाग की तरफ से ना तो उन्हें बस स्टैंड पर कोई सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं कराया गया है। प्रदेश सरकार की तमाम गाइडलाइन और निर्देशों को दरकिनार करते हुए विभाग उसके आदेशों को पलीता लगाने में लगा है। अगर ऐसे में कोई भी कोरोना वायरस संदिग्ध या संक्रमित व्यक्ति होता है तो वह संक्रमण कहां तक फैलेगा और उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमें विभाग की, मेरा नाम रंजीत सिंह है, किस पोस्ट पे हो? मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। आप इस बार एक बार रूम में बैठे हुए पूछताछ के लिए, क्या कारण है कि यहाँ कोई स्टाफ नहीं है, इस वजह से आपकी ड्यूटी? जो नाइट में स्टाफ आता है उसकी उनकी तबीयत खराब है 3-4 दिन से, इसलिए मेरे को जिम्मेदारी दी गई है। आपके पास कोई इंतजाम नहीं है, ना गिलर है, ना सैनिटाइजर है, क्या? हमको डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं दिया है, जो भी है हम अपने मार्केट अपने पैसे से ही खरीद रहे हैं। और यात्रियों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? यात्रियों के लिए नहीं, कोई सैनिटाइजर नहीं है यहाँ। बाहर देखा जा रहा है सब भीड़ भाड़ एक साथ बैठी है, कोई बताने वाला नहीं है, कर्मचारी अब तक कोई नहीं आया? अभी साहब आए हैं बस, हाँ 6 बजे से इनकी ड्यूटी है, बाकी कोई नहीं आया, अभी कोई नहीं आया है। और हमने खुद यहाँ 18 व्यक्ति पकड़े गए थे संक्रमित, जिसमें बिना किट के हमने पूरा एरिया कवर किया। एरिया कवर करने के बाद उनको सबको भेजा गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तब हमारे पास किट की व्यवस्था नहीं थी, तब तो हम एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, उन्होंने किट की व्यवस्था की। अब ये है कि अगर कोई संक्रमित हमें पाया जाता है तो हम किट पहन के तुरंत दूसरे को एरिया को कवर करेंगे। किट खरीदी है मैंने निजी, सरकार ने मतलब विभाग की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।